हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मैंने एक प्यारा सा मेकअप लुक किया है जिसे आप जन्माष्टमी पे, रक्षाबंधन पे या तीज पे आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा मैंने हैवी लुक क्रिएट किया है, हैवी ज्वेलरी के साथ, और बहुत ही सिंपल सी मैंने नेट की साड़ी डाली हुई है। साड़ी क्या, मैंने इसे लहंगा स्टाइल में पहना है, तो ये तो आपकी चॉइस है। और ज्वेलरी ये मेरी लहंगे के साथ की है, तो मैंने सोचा कि चलो इसे यहाँ पे ट्राई करके देखती हूँ कि ये कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा। हालांकि मेरे फेस के हिसाब से ज्वेलरी बहुत हैवी है दोस्तों, लेकिन कभी कभी ये पार्टी फंक्शन के हिसाब से हैवी ज्वेलरी बहुत वर्क करती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसे वेयर करना। तो आप लोग देखिएगा, और मैं मेरे पास इसके साथ की जितनी भी मैचिंग ज्वेलरी होगी मैं हर तरह का आप लोगों को मैच करके दिखाऊंगी, क्योंकि सबके पास अलग अलग चीज़ें होती हैं। और बैंगल्स भी मैंने जो है मैचिंग की ही डाली है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें गोल्डन कलर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा। तो ओवरऑल जो है आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। आई थिंक तीज के हिसाब से ये लुक एकदम परफेक्ट है, और मैं थोड़ा सा जन्माष्टमी के हिसाब से भी इसमें चेंज करके आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी पे हर मैया यशोदा मैया बनना चाहती है, तो यशोदा मैया का गेटअप भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश रहती है कि आप बस अच्छे दिखने चाहिए, प्यारे दिखने चाहिए, और आपको बहुत सारा काम करना होता है तो चीज़ें इतनी हैवी नहीं होनी चाहिए कि आप उसमें काम ना कर पाओ। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने फेस को जो है टोनर लगा ले रही हूँ, और जब तक टोनर सूखेगा मैं लिप्स को अच्छी तरह से ग्रीस कर ले रही हूँ, 2 मिनट अच्छी मसाज कर ले रही हूँ। उसके बाद आज मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये फेशियल ऑयल जो कि आमंड का है, और ये क्योंकि मैं थोड़ा ड्यूई मेकअप लुक क्रिएट करूँगी आज, इस वजह से मैं लगा रही हूँ। इससे बहुत ही प्यारा सा इफ़ेक्ट आता है, और वैसे भी ये लगाना चाहिए, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लासी दिखती है। अब मैं जो है अपना फाउंडेशन लगा ले रही हूँ, और आज समहाउ मैंने थोड़ा ज़्यादा सा लगा लिया, तो इसी को मैं जो है अपने नेक एरिया पे भी लगा लूँगी, अब एक्सेस नहीं लूँगी, आज थोड़ा ज़्यादा ले लिया है मैंने। और इसे मैं फिंगर से ही डैप 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 करूँगी, थोड़ा वक्त लगता है दोस्तों, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाता है हमारे स्किन में, और जहाँ आपको थोड़ी सी भी पिगमेंटेशन लगे वहाँ आप थोड़ा सा इसे ओवर लगा लीजिए, तो ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, इससे भी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। आपको लगता है डार्क सर्कल कहीं पे हैं तो आप वहाँ भी इसे अच्छी तरह से थोड़ा ज़्यादा लेके अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ जहाँ पे मुझे केवल आई शेडो वगैरह अप्लाई करना है, और थोड़ा सा मैं इसलिए एक्सेस लगा ले रही हूँ क्योंकि ना थोड़ा गर्मी के दिन हैं, उमस वाले दिन हैं, तो स्वेटिंग वगैरह ना हो, क्योंकि कभी कभी मेकअप करते करते ही पसीना बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। इस वाले पैलेट में से मैं ये 2-3 शेड लेके मिक्स करूँगी और एक अच्छा सा आई शेडो बनाऊँगी, और बहुत ज़्यादा मेहनत मैं नहीं करूँगी क्योंकि कैजुअल टाइप का ही लगाने जा रही हूँ। विंग्स वगैरह तो बनाऊँगी नहीं, और ना ही स्मोकी आई बनाऊँगी, और मैंने ये स्मोकी आई में गोल्डन गोल्डन ये ट्राई किया था थोड़ा सा हाइलाइटर टाइप, तो वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैं इसमें भी आज ट्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा स्किन कलर लेके मैं यहाँ ऊपर अपने आई एरिया में लगा रही हूँ ताकि अच्छा उभरा हुआ मेरा जो है आई शेडो दिखे। आईलाइनर यूज़ कर ले रही हूँ, और मैं आज काजल नहीं अप्लाई करूँगी दोस्तों, मैं देखना चाहती हूँ कि कभी अगर हम काजल नहीं लगाते हैं तो कैसा लुक आता है, तो बस बहुत ही कम चीज़ें कोशिश करती हूँ मैं। और ये मेरा हाइलाइटर है, इसे मैं जो है आईब्राउज़ के नीचे, नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे और अपने चीक्स पे, फोरहेड पे कई जगह अप्लाई करती हूँ, इससे बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग आती है दोस्तों। और कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैं प्रोडक्ट्स नहीं बताती हूँ, तो इसलिए नहीं बताती हूँ दोस्तों क्योंकि सबके पास अपने अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, और मैं कोई कंपनी के प्रोडक्ट्स का प्रचार तो कर नहीं रही हूँ, मैं तो जस्ट मैं कैसे मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। और जैसे जो मेकअप ट्यूटोरियल देते हैं वो लोग जो है एकदम नियम बता देते हैं कि पहले आप ये लगाइए, फिर ये लगाइए, फिर ये लगाइए, फिर ये लगाइए, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जब जो मन में आता है मैं वो लगा लेती हूँ, बस सधे हाथ रखना ज़रूरी है, और कभी कभी डिस्टर्ब भी हो जाता है मेकअप तो मैं उसे भी ठीक कर लेती हूँ, कभी पाउडर की सहायता से, कभी वापस से थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लेती हूँ, तो सब कुछ हमारे अपने हाथ में होता है, हमें उसके लिए किसी ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं होती है। ये मेरा जो है मैट लिक्विड लिपस्टिक है, इसी से मैं जो है अच्छी तरह से अपने लिप्स को ग्रीस कर लूँगी, सुंदर सा शेड निकालूंगी, और ये थोड़ी देर में मैट हो जाएगा तो बहुत ही प्यारा सा लुक क्रिएट करेगा।
और शेप भी मैं इसी से दे रही हूँ, कोई लिप लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब बारी आती है मेरी ड्रेसिंग की, और हेयर स्टाइल में कुछ खास नहीं बना रही हूँ, बस पीछे एक चूड़ा बांध लिया है मैंने, और चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद हैं, सो बस अच्छी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ हों, प्यारे प्यारे कपड़े और गहने हों, तो बहुत सारी चीज़ें तो उसी से कवर हो जाती हैं दोस्तों। महिलाओं को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, और ये कलर मुझे लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बहुत ज़्यादा लाइट कलर शायद मुझ पर नहीं खेलते हैं, सो मैं ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते रहती हूँ। दोस्तों ये सेट बहुत ज़्यादा हैवी है, मैं क्या बताऊँ, ये सिर्फ दुल्हन के लिए ही मैं तो कहूँगी कि उन्हीं को पहनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर आप इसे नहीं वेयर कर सकते। इसके इयररिंग्स भी बहुत हैवी हैं, और ये रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो आज के मेकअप लुक में मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ही प्यारा सा है, लेकिन थोड़ा बड़े होने की वजह से मैं इसे इग्नोर करती हूँ, कभी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। जन्माष्टमी के हिसाब से आप कुछ इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं, नथ और बेंदी थोड़ी सिंपल सी लगा के। अब मेरे पास एक और सेट है, बहुत ही क्यूट सा सेट है दोस्तों, इसे भी मैं अप्लाई करके बता दे रही हूँ। और ये आप किसी वेडिंग में भी इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा मुझे ये सेट लगा है, और आप लोग बताइए। मेरा आज का मेकअप लुक हो गया है कंप्लीट। मैंने मेरे पास जितनी तरह तरह की ज्वेलरी थी वो भी मैंने आप लोगों को एडजस्ट करके दिखा दी है, और ये चोकर का आजकल बहुत ज़्यादा चलन है दोस्तों, तो ये मेरी साड़ी के साथ इवन कलर के साथ बहुत अच्छी तरह से मैच हो गया, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद लगा। बहुत प्रिटी सेट है और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है दोस्तों। तो ओवरऑल मेरा लुक कैसा लगा है वो तो मुझे आप लोगों के कमेंट्स के द्वारा पता चलेगा, और मैंने कोशिश की है ड्यूई लुक करने की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं उसमें खरी उतरी होंगी। और जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे जो है सही सही रिजल्ट पता चले कि मैं कितना खरी उतरी हूँ आज का मेकअप लुक करने में, और ओवरऑल मैं कैसी लग रही हूँ ये भी आप लोग मुझे ज़रूर से बताइए।